पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से एक सिख धर्म की बच्ची को पहले जबरन अगवा कर लिया जाता है, फिर उससे फोर्सफुली धर्म उनका जो है कन्वर्ट करवाया जाता है, जिसका आज पूरे देश के अंदर जो है कंडेम किया जा रहा है। इसी बीच में पाकिस्तान की एक और जो षड्यंत्र है वो सामने आता है कि पाकिस्तान ये कहता है कि हमने बच्ची को वापस भेज दिया है, लेकिन भारत सरकार ने ये साफ कर दिया कि अभी तक बच्ची को यहाँ नहीं भेजा गया है। साथ में कल मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने भी ये बात दिल्ली से साफ कर दी कि अभी तक बच्ची के बारे में उनके पास कोई अभी तक कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं आई है। इस पूरी बात के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं J&K सिख यूनाइटेड फोरम से सुदर्शन सिंह वजीर जी, उनसे हम जानेंगे और वो क्या अपील कर रहे हैं जम्मू से। सुदर्शन जी, ये पूरा जो मामला सामने आया है आप इसको किस तरह से देखते हैं? पूरा देश जो है इसके अंदर इस टाइम एक साथ है और कंडेम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में ये बच्ची के साथ हुआ है। देखिए, जहाँ तक किसी भी औरत के साथ, माँ बेटी बहू किसी के साथ भी इस तरह की बात किसी भी मुल्क में हो, उसकी हमेशा हम मजम्मत करते आए हैं। और सिख कौम ने तो हमेशा अपने गुरुओं के हुक्म के मुताबिक औरत को मर्द से ऊपर दर्जा दिया है, क्योंकि गुरु नानक देव जी, जिनकी हम 550वीं सालगिरह इस बार मना रहे हैं, जिनकी तकरीबात चल रही हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बाणी में लिखा है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, कि उस औरत को आप कैसे बुरा कह सकते हो जो औरत महारिषियों को, मुनियों को, बड़े महाराजा महाराजाओं को और बहुत उच्च कोटि के जो विद्वान रहे हैं उनको जो जन्म देती है, उस औरत को आप कैसे कोई बुरी बात उसके बारे में सोच सकते हो या कर सकते हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी गुरु नानक देव जी के 550 साला ये जो तकरीबात अब मनाई जा रही हैं और ननकाना साहब में के जो उनकी जन्मभूमि है वहीं पे ही पाकिस्तान में एक सिख लड़की से 3-4 दिन पहले उसको अगवा किया गया और उसको उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया। इतना ही नहीं, कल सुनने में आया है कि एक हिंदू लड़की को भी पाकिस्तान में अगवा करके तो उसका भी निकाह करवा दिया गया है धर्म परिवर्तन करके। हम इस तरह की हर कार्रवाई का किसी भी मुल्क में चाहे हो वो, उसकी पुरजोर मजम्मत ही नहीं करते बल्कि उसकी इंसाफ की लड़ाई के लिए, उसका हक उसको दिलवाने के लिए हम कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान को तो हम वार्न करते हैं कि ये इमरान खान साहब जब अपनी शपथ ले रहे थे तो उस दिन उन्होंने पहला ऐलान किया था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को महफूज रखा जाएगा हमेशा और उनको साथ लेके आगे चला जाएगा, लेकिन उनका बात कहने में और उनके करने में बहुत फ़र्क है। उन्हीं की हुकूमत के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक आपने बात कही कि वो लड़की भारत सरकार ने कहा है कि अभी वापस नहीं आई है, या मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली से किसी और ने कहा है, हम वो बात छोड़ दीजिए। लड़की के भाई ने खुद, कल मैंने खुद टेलीविज़न पे देखा है कि उसके भाई सुरजीत सिंह ने खुद वहाँ पे कहा है कि ये झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तान में कि लड़की जो है वो अपने कुंबे के हवाले कर दी गई है। बिल्कुल नहीं, वो लड़की आज भी अपने कुंबे के हवाले नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान के इस चेहरे को इंटरनेशनल सतह पर बेनकाब करे। वो क्या है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था और हिंदुस्तान अलग बना था तो पाकिस्तान में उस वक़्त जो माइनॉरिटीज़ रह गए थे, जो बाद में रहे 47 के बाद वहाँ, उनकी उस वक़्त की तादाद जो कि सेंसस में मौजूद है पाकिस्तान के, वो लाखों की तादाद में थे, जिसमें हिंदू, मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई थे। आज पाकिस्तान में टोटल हिंदू, सिख और ईसाई जो हैं वो 10-12 हज़ार के करीब रह गए हैं। ये सोचने की बात है कि 70 साल में जो तादाद लाखों की थी वो और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो कम होकर सिर्फ हज़ारों में रह गई है। ये चेहरा हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज़ के साथ जो रवैया अब उस मुल्क में रवा रखा हुआ है उसको यूनाइटेड नेशन में और अलग अलग फोरम्स में दुनिया में
یہ لے جائے اس بات کو اور پرزور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی ملک چاہے وہ پاکستان ہو ہندوستان ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو یا افریقہ کا کوئی ملک ہو جہاں کسی بھی مائنارٹی کے ساتھ کوئی اس قسم کی زیادتی کی جائے یا بالخصوص کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے وہ ہمیں ہر قیمت پر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور صف آرا ہونا چاہیے اور اگر کوئی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ وزیر صاحب بات کرنے کے لیے۔ سدرشن سنگھ وزیر جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور جہاں تک بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کی اس طرح کی چیزیں ایسی پہلی بار نہیں ہوئی ہیں۔ مائنورٹیز کے اوپر کافی بار پاکستان کے اندر اس طرح کے ظلم ہوتے رہے ہیں، اور چاہے آج پاکستان کرتارپور کوریڈور کھولنے کی بات کر رہا ہے یا پھر عمران خان چاہے کہے یہ ضرور کہے کہ ہم مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے، وہیں ننکانہ صاحب جو کہ گرو نانک دیو جی کی جو دھرتی ہے وہاں پر اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے، اور پورا ہندوستان اس کے اوپر جو ہے ایک ساتھ ہے تاکہ کسی طرح کی اس چیز کو جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی دھرم ہو۔ آپ لوگ دیکھتے رہیں جے کے میڈیا، آشیش کوہلی جے کے میڈیا کے لیے، جے ہند۔